दोस्तों ये हैंडमेड लेदर पे क्रिएटिविटी करी जा रही है, उससे ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। देखिए आप देख रहे होंगे अंकल बना रहे हैं यहाँ पे सारी कारीगरी ये सारा है। डिजाइन है इसमें, अलग अलग डिजाइन है, जो भी डिजाइन कोई पसंद तो ये पूरा यहाँ पे डिजाइन देख रहे होंगे आप। यहाँ पे पूरे इन्होंने ही सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी है सारी, बहुत ही क्रिएटिव काम है। तो ये कारीगरी खुद की है सारी? हाँ ये खुद की कारीगरी। अच्छा ये देख लो, ये सारी पेंटिंग का नाम है गोंद आर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों आज मैं आया हूँ नेशनल आर्ट म्यूजियम जो कि प्रगति मैदान में है। यहाँ आने के लिए आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज प्रगति मैदान। और दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने साइंस म्यूजियम की डाली थी, तो लास्ट टाइम मैं यहीं पे आया था, तो उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों मेरा जो पुराना चैनल था वो मेरा स्टार्ट हो चुका है, अगर आपको नहीं पता। आखिर में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक ज़रूर करिएगा। वहाँ पर सारे मैं मार्केटिंग ब्लॉग बनाता हूँ, तो वीडियो में बने रहे, मैं अंदर दिखाऊँगा क्या क्या आर्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पीछे पूरी तरह से यहाँ पर आर्ट ही आर्ट बना रखी है। अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट के शौकीन हैं तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए होने वाली है, सो लेट्स एक्सप्लोर। तो ये दोस्तों एंट्री है, ये देख रहे होंगे पीछे मेरे, ये गेट है पूरा, यहाँ से एंट्री है। तो चलिए चलते हैं अंदर। की टिकट लगी है मेरी, और ये जो है यहाँ पे 6 बजे तक खुला रहता है, 6 बजे के बाद बंद हो जाता है इवनिंग में। और यहाँ पे एक लोटा कैफ़े है, वो भी 9 बजे शाम के बंद हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑडियो विजुअल रूम है, यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहते हैं ज़्यादा, तो यहाँ पर अंदर वीडियो शो होता है 5 से 5 to 10 minutes का, तो आप कर सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। मार्केट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको क्लोथ्स मिल जाएंगी, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हैंडमेड पेंटिंग भी मिल जाएगी। हैंडमेड पेंटिंग है सारी, जो कि आप देख रहे होंगे काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत सुंदर है। इनके सबके अलग अलग प्राइस है, पहले आप देख लो, मैं प्राइस बता दूंगा आपको। जी भैया ये गणेश जी का बता दो। ये 2000 का है जी, 2000 का है। ये फ्लावर्स है गोल्ड लीव्स के ऊपर, एंड बैकग्राउंड में गोल्ड इंक का वर्क किया हुआ है, 4500। ये भी 4500 रुपये का है। एंड दिस वन राउंड ट्रीज, ग्रुप ट्रीज, दिस इज 9000 रुपीज। तो दोस्तों आप यूँ मत समझना कि रेट बहुत हाई है, कि हैंडमेड है सारा, कोई प्रिंटेड नहीं। हैंडमेड पेपर, इसका पेपर भी है वो हैंडमेड पेपर है। अच्छा। एंड कलर है वो सारे नेचुरल कलर है सारा, नेचुरल स्टोन कलर। ये सनलाइट में भी फेड नहीं होता, सनलाइट में भी फेड नहीं होता, तो इसी चीज़ के पैसे हैं सारे, इसी चीज़ के पैसे हैं। तो आपको अंकल कितना टाइम हो गया ये करते हुए? टाइम जी कितना टाइम हो गया ये काम? मैं अभी 35 ईयर से सीख रहा हूँ।
35 साल हुए हैं, सही बात है। इस पेंटिंग इन चीज़ों का कोई अंत नहीं होता, जितना गहराई में जाओगे उतना ही आपको कम लगेगा कि मेरे को कुछ और सीखना है। जब इंसान बोलेगा कि मैं सीख गया तो उसी उसी दिन खत्म। सही बात। ये सारा वुड का है ना? हाँ सब वुड है, ये सारा वुड का मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये कारीगरी खुद की है सारी? हाँ जी, खुद की कारीगरी। अच्छा, ये चम्मच आपने खुद ही बनाई है? हाँ जी, हाँ जी, खुद ही बनाई। ये चम्मच ये अंकल यहाँ पे अंकल एक बार प्राइस बता दोगे? 20 रुपये। सबका अलग अलग है? हाँ, ये 50 रुपये का ही है। ये 50 रुपीज़ की। अच्छा, ये चेस जो बनाया है आपने बनाई थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये 500 के होते हैं, मैग्नेट है ये। अच्छा, ये कितने का है? 500 जीरो कांटे का गेम मिल जाएगा। ये कितने का अंकल? ये 450 450 का है। ये पजल गेम का बॉक्स है, 800 ये वाला? हाँ जी, हाँ जी, 4 पजल है और 3 वाला 600 तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे आप, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है शॉल की पूरी। तो एक बार बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रमेश है। रमेश है, आपने जो गवर्नमेंट है मतलब किस तरह आप यहाँ पे चालू कर रहे हो काम? ये तो सर हमारा परंपरागत काम ही है, हाथ से वहाँ घर पे ही बनाते हैं। और मेरे पिताजी ये रहे तो वो वुलन शॉल बनाए थे, 6 महीना चला था 1 साल। तो हमने गवर्नमेंट में अप्लाई किया था नेशनल अवार्ड के लिए। अच्छा। तो हमारा नेशनल अवार्ड फाइनल हो गया, तो हमारा नाम इसमें हस्तकला में चल गया है। तो हमको हर साल यहाँ बुलाते हैं, इधर बुलाते हैं और सूरज कुंड में, दिल्ली हाट में। तो हमारा नेशनल अवार्ड है तो इस वजह से हमको गवर्नमेंट बुलाते हैं, TAD सब खर्चा देता है। तो ये इनकी देख रहे होंगे आप वैरायटीज़ है सारी, ये खुद की कारीगरी है, खुद बनाते हैं सब। तो ये बताइए आप, जो आपका जो जो लगता है इसमें माल वगैरह, तो आप लाते कहाँ से? ये हम पंजाब से लाते हैं, लुधियाना से। पंजाब से लाते हो? और आप रहने वाले कहाँ के हो? गुजरात के, कच्छ भूज। ओके, तो आप कुछ और डिज़ाइन दिखाइए। तो दोस्तों ये और डिज़ाइन दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, कुछ कश्मीरी शॉल दिखाइए। कश्मीरी शॉल की बहुत डिमांड होती है। कश्मीरी शॉल का हम नहीं बनाते, हमारा याद के बनाए हुए हम खुद बनाते हैं। ये गुजराती शॉल बोलते हैं, कच्ची शॉल। ओके, ये कितने का है वैसे? ये 1700 का है। 1700 और ये दस्तर सिल्क में भी दुकान स्टॉल है, ये वूल बाय दस्तर सिल्क का स्टॉल है। ये वूल में है? हाँ, वूल बाय टसल। कितने का? आना टसल है, ये आएगा 1700 का। ओके, तो ये देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे सारी कारीगरी। हाँ, ये सारा डिज़ाइन है, इसमें अलग अलग डिज़ाइन है, जो भी डिज़ाइन कोई पसंद कर रहा है। तो ये पूरा यहाँ पे डिज़ाइन देख रहे होंगे आप, यहाँ पे पूरे इन्होंने ही सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी है सारी, बहुत ही क्रिएटिव काम है दोस्तों। तो ये पश्मीना शॉल आप दिखाओ सबसे पहले, जो आपने मुझे दिखाया था। ये जो पश्मीना शॉल है, ये देखो पश्मीना शॉल, इसकी बहुत डिमांड रहती है मार्केट में। ये नेचुरल कलर है इसका, और तो वाइट आता है इसमें, बाकी जो रेड ब्लैक। अच्छा, तो इनका इनका प्राइस क्या होगा? ये 8500। 8500। तो दोस्तों ये सारी पेंटिंग देख रहे होंगे आप, ये देख लो, ये सारी पेंटिंग का नाम है गोंदाट। गोंदाट ही है ना? जी, गोंदाट। तो इसको उठा लूं? अगर मैं ये कितने का बनता है, मतलब बनवाना नहीं है, मतलब कितने का पर्ची, कितने का है ये पूरा? ये 700 रुपये का। ये साइज़ है A4 है ना? A4 साइज़ है। तो आपको ये 700 का पड़ेगा। तो अलग अलग सारे बने हुए हैं, सबके सेम प्राइस हैं, और इनका जो साइज़ है वो अलग है। 7000 का 5000। एक 7000 का, कोई 5000 का है। इनका साइज क्या है? 2.5 बाई 3। तो दोस्तों ये हैंडमेड लेदर पे क्रिएटिविटी करी जा रही है, उससे ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। देखिए आप देख रहे होंगे अंकल बना रहे हैं यहाँ पे, पूरा लेदर के ऊपर है ये काम, पूरा बनाया भी आपने ही है। अब ठीक है, ड्रॉ भी आपने किया अंकल जी। आपका नाम बताओ। मेरा नाम शंकर है। शंकर है। ये पूरा पीछे देख रहे होंगे आप, सारा इन्होंने क्रिएट करा है। आंध्र प्रदेश का है। ये पेपर नहीं है, लेदर है। लेदर, प्योर लेदर। ये देखिए दोस्तों,
राधा कृष्ण हर स्टोरी रामायण भारत का स्टोरी। ये देखिए ये कितने का है? ये 500 रुपये पड़ता है। 500 पूरा हेड बैग। ठीक है। और ये वॉल हैंगिंग आइटम मिल जाएंगे। ये कितने का है? 400 का पेयर सर। 400 का पेयर है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।